हाय दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बेसिक फ्लाइट्स की डिटेल्स मैं एक बार दे देती हूँ कि जो चार सिटीज़ हमने कजाकिस्तान में घूमी वहाँ पर हमारा फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर वन, दिल्ली टू अस्ताना। दिल्ली टू अस्ताना जाने में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अस्ताना का नाम 2019 में चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया है, लेकिन जब आप फ्लाइट्स बुक करेंगे तो उसमें आपको अस्ताना का ही नाम दिखाएगा और अस्ताना का ही कोड दिखाएगा। कंफ्यूज मत हो, ये एक ही नाम है, अस्ताना नूर सुल्तान। दिल्ली टू अस्ताना की फ्लाइट हम लोगों को एयर अस्ताना में काफी कॉस्टली पड़ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने उज़्बेकिस्तान एयरवेज से अपनी फ्लाइट बुक की। फ्लाइट बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन हमारा पहला दिन काफी स्ट्रेसफुल इसलिए बीत गया क्योंकि हमारे फ्रेंड ने हमें ये चीज बोली थी कि यार तुमने जिस एयरलाइन से फ्लाइट बुक की है उसमें उनकी साइट पे जाके अपना पीएनआर तुम लोग जरूर से चेक कर लेना। अब उनकी साइट में सब कुछ उनकी लैंग्वेज में दिया हुआ था जो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ऑनेस्टली हमने 10 दिन पहले फ्लाइट बुक की है तो हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग ये सब कर पाए। तो इवेंचुअली हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए एंड वी वर लाइक कि देखते हैं फ्लाइट है भी कि नहीं है, ऐसी वाली चीज हो गई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि दिल्ली टू अस्ताना वाया तश्किन जाना था हमें और 3-4 घंटे का लेओवर तश्किन में था। कजाकिस्तान में वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए भी नया नया फ्री हुआ है, लाइक 6-8 महीने ही हुआ है, तो जो भी जगहों पे हम जा रहे थे जैसे बैगेज चेक इन में या फिर इमिग्रेशन में, तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर बैठते थे वो कम से कम 10 मिनट का टाइम लेते थे, जाके अपनी बात बात करके आते थे, क्योंकि ये चीज़ हो जाती थी कि तश्किंत ओके आपके पास उज़्बेकिस्तान का आपके पास में वीज़ा नहीं है और कजाकिस्तान उसका भी वीज़ा नहीं है, तो ये चीज़ उन लोगों को पहले कन्फर्म करनी होती थी, जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते थे कि यार क्या हुआ। लेकिन कोई इतनी टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस आउट मत होइए। अच्छी एयरलाइंस थी, बढ़िया एयरलाइंस थी, बस हाँ वही चीज़ थी कि भाई उनकी साइट पे जाकर हम अपना पीएनआर वगैरह चेक नहीं कर पाए, हम बस भगवान भरोसे पहुंच गए कि चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अच्छी फ्लाइट थी, दो लोगों की फ्लाइट की टिकट का चार्ज था 65,000। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कुछ और जगहों पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई फ़्लाइट और भी सस्ते में हो जाती है, तो चूंकि ये हमारा पहला ट्रिप था तो इसलिए, और हमने 10 दिन पहले फ़्लाइट कराई थी, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम फ़्लाइट सस्ती और कैसे मिल सकती है ये हम लोग ज़रूर से ट्राई करेंगे, थोड़ी और पूछताछ करेंगे, और अगर हमें समझ में आता है और पता चलता है तो आप लोगों से भी शेयर करेंगे। हमारी फ़्लाइट लेकिन 65,000 की हुई थी और 23 kgs बैगेज चेक इन, 7 kgs सिक्योरिटी चेक इन, और बैगेज चेक इन में 1 piece ही अलाउड है। तो ये था दिल्ली टू अस्ताना। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी फ्लाइट की जो थी अस्ताना टू अखताओ। अस्ताना टू अखताओ ये जो फ्लाइट थी, ये फ्लाइट भी हमने बड़े रिस्क में ली एक्चुअली, क्योंकि ये फ्लाइट हमने बुक की kiwi.com से। अब kiwi.com का क्या था दोस्तों कि रिव्यू कई जगह पे बहुत ख़राब भी थे कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन kiwi.com से हमें अराउंड 14-15,000 की फ़्लाइट मतलब सस्ती पड़ रही थी। तो अस्ताना टू अखताओ की हमारी फ़्लाइट हुई है 37-38,000 की। जी हाँ, मतलब कजाकिस्तान में डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स आपको मिलेंगी वो भी मतलब काफ़ी कॉस्टली हैं। यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम लोगों को समझ में आया जब हमने 12 दिन जब हम घूमे, क्योंकि हमें तो मतलब प्यार हो गया इस देश से बिल्कुल, लेकिन हमें यही समझ आया कि यार फ्लाइट्स थोड़ी महंगी है। लेकिन अस्ताना टू अखताओ स्कैट एयरलाइंस बढ़िया फ्लाइट थी, सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी दोस्तों कि कजाकिस्तान में आप लोगों को समझ में आएगा कि पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है और कहीं भी ऐसे पानी वानी भरने के लिए आपको नहीं मिलेगा, पानी खरीदना ही पड़ता है, और रेस्टोरेंट में होटल्स में तो बहुत महंगा पड़ता है, सुपरमार्केट वगैरह में शायद रीजनेबल पड़े। यहाँ पर अस्ताना टू अखताओ स्कैट एयरलाइंस में पानी हमारे सिक्योरिटी चेक इन से निकलवा लिया गया था, और जब फ्लाइट में मैंने पानी मांगा तो वहाँ पर भी पानी फ्री नहीं था, चार्जेबल था, मतलब पर पर्सन एक बॉटल अगर आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अखताओ टू शिमगिन की जो मैं आपको फ्लाइट बताऊंगी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ओके, सो kiwi.com से, हाँ जो मैं आपको बता रही थी ये भी मैं आपको बता दूं कि kiwi.com में जो हमें चीपेस्ट फ्लाइट मिल रही थी हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। चीपेस्ट फ्लाइट में ईमेल और फ़ोन से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन भी अवेलेबल नहीं था, तो हमें लगा कि यार हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो ये चीपेस्ट वाला लेना अभी फिलहाल ठीक नहीं है, तो हमने इसलिए वो एक मीडियम वाला एक प्राइस वाला ऑप्शन था जिसमें एटलीस्ट आप मेल भेज सकते हो या फ़ोन नंबर दे सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन कम से कम बना रहना चाहिए, क्योंकि हमने रिव्यूज़ में ये भी पढ़ा था कि आपके पास मेल आईडी नहीं है, आप अगर प्रॉब्लम में आ जाओ तो आप किससे बात करो, किससे मैसेज करो, क्या करो, तो हमें लगा कि यार ये वाला ऑप्शन तो कम से कम अवेलेबल होना ही चाहिए, तो इसलिए हमने वो एक मीडियम वाला चूज़ किया था, इसलिए हमारी फ़्लाइट 37-38,000 की कुछ की पड़ी थी। हो सकता है अगर आप वो ऑप्शन चूज ना करें तो आपको और सस्ती पड़ जाए kiwi.com से ही। बस, तो ये था अस्ताना टू अखताओ।
अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी नंबर की फ्लाइट की, जो थी अकताओ टू शिमकेंट। अब अकताओ टू शिमकेंट की फ़्लाइट हम जिस एजेंट से बात बात कर रहे थे उसने हमें करा के दी, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा चीप पड़ रही थी। दो लोगों की फ़्लाइट 28,000 की पड़ रही थी, और हाँ मतलब ये चीप है, मतलब कजाकिस्तान में ही अगर आपको फ़्लाइट से यहाँ वहाँ घूमना है तो आपको लाइक थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा यार। और दिक्कत ये है कि कजाकिस्तान बहुत बड़ी कंट्री है, 9th largest कंट्री है, तो अगर आप ट्रेन से कहीं आने जाने की सोचते हैं तो आपको 24 hours लग रहे हैं, आपको 48 hours लग रहे हैं, 14 days का वीज़ा फ्री अगर आप एक दिन दो दिन ट्रैवल ही करते रह जाएंगे, तो फिर ये वाली एक दिक्कत आ रही थी यार। तो हमने फिर इवेंचुअली फ़्लाइट ही कर ली। अकताओ टू शिमकेंट की फ़्लाइट भी स्कैट एयरलाइंस थी, लेकिन यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी चेक इन में आप पानी की बॉटल ले जा सकते हैं, और फ्लाइट में पर पर्सन एक बॉटल हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी मिली। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ जर्नी की, नॉट फ्लाइट एग्जैक्टली बट जर्नी, जो थी शिमकेंट से अल्माटी की। शिमकेंट से अल्माटी जाने में 12 घंटे अराउंड कुछ लगते हैं, तो हमें लगा कि यार ये वाली हम एक ओवरनाइट ट्रेन करके देखते हैं, फ्लाइट नहीं करते हैं ट्रेन करते हैं। हमने ट्रेन जो बुक की दोस्तों, वो एक्सपीरियंस हमारा मतलब हमारे 12 दिनों के टॉप 3 एक्सपीरियंसेस में से एक बन गया, क्योंकि वो जो ट्रेन थी ना, क्या ट्रेन थी यार, मतलब वाओ। टेल्गो एक्सप्रेस की ही मतलब 4-5 ट्रेन चलती हैं। 5 बजे की हमारी ट्रेन थी जो शिमकेंट से निकलती है और फिर उसके बाद में अल्माटी पहुंचती है सुबह 5 बजे या 5:30 बजे आई थिंक। बहुत ही प्यारी ट्रेन, हम लोगों ने वो वाला 2 बर्थ वो वाली की थी जो एक प्राइवेट कंपार्टमेंट काइंड ऑफ होता है, उसका खैर एक अलग व्लॉग बनाया मैडी ने, वो आप लोग अलग से व्लॉग देखिएगा, वो आपको ट्रेन का एक मतलब अलग ही मज़ा, बढ़िया ऐसा वाला रेस्टोरेंट जो बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हो यार, मतलब मज़ा ही आ गया। तो शिमकेंट से अल्माटी आप ट्रेन से ज़रूर जाइए, अलग ही मज़ा आएगा और व्यू तो मतलब अलग ही है। तो खैर उसका आपको व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। हमारी 42,000 tenge की 2 लोगों का हमारा टिकट हुआ था, 42,000 tenge। अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ जर्नी की, जो थी अल्माटी टू दिल्ली। सो बेसिकली हमने जो फिफ्थ फ्लाइट कराई वो थी अल्माटी टू इंदौर, बिकॉज अल्माटी से दिल्ली की फ़्लाइट तो कॉस्टली थी ही, अल्माटी से मुंबई की फ़्लाइट और 25-30,000 कॉस्टली थी। बट हमें लगा कि यार हम इंडिया के और भी तो लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह से देखते हैं ना यार, और शहरों से भी देखते हैं, शायद कहीं से सस्ती पड़ जाए। तो हमें अल्माटी से इंदौर की फ़्लाइट जो सबसे चीपेस्ट मिली उस टाइम पे, वो थी 80,000 की, 2 लोगों की टिकट अल्माटी टू दिल्ली। हम एयर अस्ताना से आए, बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग फ़्लाइट है, इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली पड़ गया हमें अल्माटी से इंदौर वापस आना। अभी हमारा ले ओवर है दिल्ली में, यहाँ पे 4-5 घंटे का, इसीलिए मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और अब हम यहाँ से इंदौर जा रहे हैं। तो ये फ़्लाइट खैर है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये भी काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ गई। 80,000 फॉर 2 पीपल इज़ लाइक अलॉट, लेकिन जैसा पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, अच्छा हाँ, इंडिगो की शायद वीक में 3 दिन की फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है दिल्ली टू अल्माटी। तो दोस्तों कजाकिस्तान इज़ अ हॉट स्पॉट नाउ, डेफिनेटली आप लोगों को अपना प्लान बनाना चाहिए। मुझे लगा मैं अपनी फ़्लाइट टिकट्स की डिटेल्स आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर से शेयर कर दूँ। अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे होटल्स के बारे में। हमने अस्ताना में, सबसे पहले अस्ताना की बात करते हैं, अस्ताना में हमने जी एम्पायर नाम का होटल कराया। ये होटल बहुत ही सही जगह पर था, बगल में सुपरमार्केट था, 800 मीटर्स पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था, और लोकेशन बहुत सही थी, क्योंकि यहाँ से जो भी प्लेसेस हम लोग घूमने के लिए गए, हमने यैंडेक्स नाम की ऐप डाउनलोड कर ली थी, सारी ही प्लेसेस बहुत ही मतलब आसपास इधर उधर ही थी, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। प्रेसिडेंशियल पैलेस हो, चाहे बेटरिक टावर हो, या फिर चाहे एक्सपो म्यूजियम हो, मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट्स में हम लोग सब जगह पहुँच गए कैब करके, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था। अब हम बात करते हैं हमारे अकताओ के होटल की। हमारा जो अकताओ का होटल था यार, कैस्पियन वेरा ग्रैंड होटल, ये करने से पहले हम लोगों ने कई बार सोचा, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था और हम 3 दिन यहाँ पर रुकने वाले थे, लेकिन ये होटल इतना अमेजिंग था दोस्तों, क्योंकि अगर आप अकताओ में कहीं भी और रुकेंगे तो ये होटल जो है, इस होटल के जस्ट बैक साइड में वो पूरे के पूरे आपको वो मिलने वाला है, वो ग्रॉटो केव्स मिलेगा आपको, और कैस्पियन सी बस वहीं सामने बिल्कुल आपको दिखेगा जस्ट होटल के बैक साइड में। तो ये एरिया आप कहीं भी और अगर अकताओ में रुकोगे तो आप यहाँ घूमने के लिए तो आओगे ही आओगे, ये वो वाला एरिया है। और यहाँ पर जो अगर आप कैस्पियन सी में नहाना चाहते हैं तो यहाँ पर नहाने के लिए आपको बेस्ट मतलब जगह है ये आपके नहाने के लिए। तो हमारा ये होटल इवेंचुअली हमें समझ में आया कि बहुत बहुत ज़्यादा वर्थ था। अब हम बात करते हैं शिमकेंट के होटल की। शिमकेंट में हमने जो होटल कराया उसका नाम था 2 Star Inn
दो स्टार इन। ये हमारा चीपेस्ट होटल था। इसकी लोकेशन भी बड़ी जबरदस्त थी क्योंकि इस होटल के जस्ट बाहर पूरी टैक्सी वाली पूरी लेन थी जहाँ से आपको टैक्सी और कैब्स वगैरह मिलती है। बस मतलब मुझे लगता है 50 meters आप वॉक करेंगे तो एक पूरी की पूरी स्ट्रीट थी शॉपिंग वाली। तो पहले दिन तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो हम इस स्ट्रीट में ही वॉक करते हुए चले गए, वापस आ गए। बहुत ही मतलब अच्छी लोकेशन पे था ये होटल भी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर रिसेप्शन में जो बंदा था वो बहुत ही स्वीट था यार, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया उसने हमारी टिकट हमें करा कर दी, उसने हमें तुर्किस्तान के लिए कैब उसने हमारे लिए बुक करके दी उसने। और सबसे बड़ी बात है कि इतने पूरे प्रोसेस में क्या होता है, गूगल ट्रांसलेशन एक दूसरे के साथ करते करते ना इंसान थोड़ा सा अनॉय हो जाता है, तो लोग थोड़ा सा तो मुंह बनाने ही लग जाते हैं यार। लेकिन इस बंदे ने एक बार भी ज़रा सा भी मुंह नहीं बनाया, मतलब उसने पूरी चीज़ बहुत ही हेल्पफुल उससे की। अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर के होटल की। अलमाटी में हमने जो होटल किया उसका नाम था सराइशिक होटल। ये भी एक बड़ा अलग टाइप का होटल था यार, बढ़िया ऐसे हट्स वट्स काइंड ऑफ ऐसे बने हुए थे। पूल और स्पा हमारे रूम में इसमें इंक्लूडेड था और यहाँ के होटल का रूम बहुत बड़ा था, तो ये होटल भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट था। सो आई थॉट कि भाई होटल्स का भी एक बार आप लोगों को एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन ज़रूर से देना चाहिए, 4 जगहों पे जो होटल्स हम लोगों ने किए। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रही हूँ बिकॉज जब मैं कजाकिस्तान घूमने के लिए जब चीज़ें रिसर्च कर रही थी तो उसमें मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कोलसा ले, कैंडी ले, शेरन कैनियन, टर्गन गॉज, अब ये सारी प्लेसेस आपको कैसे घूमनी है, क्या करना है, ये बड़ी दिक्कत का काम था यार। तो अब मैं आप लोगों को एक बार में क्लियर कर देती हूँ बिकॉज डेफिनेटली अगर आप कजाकिस्तान घूमने जाने वाले हैं, अगर आप अलमाटी जाने वाले हैं तो आप कोलसाए, कैंडी, शेरन ये सब का आपने अभी बहुत पैकेजेस वगैरह देख लिए होंगे, है ना। तो ठीक है, देखो अब मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताती हूँ, 3 तरह के पैकेजेस जो आप ले सकते हो, ठीक है। अलमाटी से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के बाद में एक रास्ता सीधे जाता है जो आपको कोलसाई लेक्स की तरफ लेकर जाएगा, ओके। दूसरा रास्ता लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है जो आपको शेरन कैनियन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। कोई भी पैकेज अगर आप लोगे, एक दिन का पैकेज होगा, तो वो शेरन कैनियन आपको लास्ट में ही घुमाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो आपको कोलसाई लेक्स लेकर के जाते हैं। अब ये जो रास्ता कोलसाई लेक्स की तरफ जा रहा था, इसी रास्ते में काफ़ी आगे जाकर एक लेफ्ट टर्न आता है जो आपको कैंडी लेक्स की तरफ लेकर के जाता है। इसीलिए आपको जो पैकेजेस मिलेंगे वो या तो एक दिन में ये तीनों चीज़ें आप घूम सकते हो, ऐसे पैकेजेस मिलेंगे, या फिर एक दिन कोलसाई लेक, कैंडी लेक और एक दिन शेरन कैनियन, इस तरह के पैकेजेस मिलेंगे। लेकिन अलमाटी से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचना है आपको, यहाँ तक पहुँचने में आपको कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगते ही हैं। अब देखो, पहला जो आप पैकेज ले सकते हो जो हमने लिया था वो था एक दिन में कोलसाई लेक्स, कैंडी लेक्स और शेरन कैनियन, ठीक है। इसमें 7 o'clock का हमारा पिकअप था, 7 बजे हमें पिकअप किया गया। उसके बाद में 3-3.5 घंटे बाद हम सीधे कोलसाई लेक्स पहुंच गए। तो वापस आते टाइम वो जो लेफ्ट में रास्ता पड़ा था कैंडी लेक्स जाने के लिए, वहां पर आपकी गाड़ी रुकेगी, वहां पर आपको एक शटल में बैठाया जाएगा और फिर वहां से 18 किलोमीटर अंदर कैंडी लेक्स है। तो वैसे वहां पर एक और शटल वो चेंज करते हैं, फिर कैंडी लेक्स तक आप पहुंच पाते हो। लेकिन कैंडी लेक्स बेसिकली आप घूमो फिरो, अपना पिक्चर्स वगैरह क्लिक करो, फिर आप वापस से आपको शटल में बैठाया जाएगा, आपको यहाँ पर मेन रोड तक लाया जाएगा, यहाँ पर आप वापस अपने कार में बैठिए और फिर यहाँ से आपको ले जाएंगे शेरन कैनियन। ब्लैक कैनियन के बारे में मैं ये आपको बता दूँ क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस में ब्लैक कैनियन भी दिया होता है। ब्लैक कैनियन बेसिकली रॉक्स ब्लैक कलर के हैं तो उसका नाम ब्लैक कैनियन दे दिया गया है। तो भी आप पैकेज वगैरह ले रहे हो, अगर उसमें ब्लैक कैनियन की वजह से कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए हो गया, छोड़ो जाने, तो इतना भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर हार्डली 5 मिनट का स्टॉपेज होता है, 5 मिनट रोक के वो आपको दिखा देते हैं, आप वापस आ जाते हो। इसके बाद आप जाते हो शेरन कैनियन, शेरन कैनियन में भी आपकी कार एक पॉइंट तक जाएगी, उसके बाद आपको एक शटल में बैठाया जाएगा, जहाँ से अगर आपको शटल करनी है तो आप करो, अगर आपको नहीं करनी है तो आप मत करो। वो जो वॉक है, कैनियन का जो वॉक है, वो 2.5 किलोमीटर का वॉक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि शटल्स 6 बजे बंद हो जाती हैं। तो अगर आपने कोलसाई और कैंडी लेक्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है और अगर आप शेरन कैनियन टाइम पर नहीं पहुंच पाए हो, अगर आप एक दिन का पैकेज ले रहे हो, तो शटल जाने वाली बंद हो जाएगी। तो ये था पैकेज नंबर 1 जो आप ले सकते हो एक दिन में तीनों चीज़ें करने का। पैकेज नंबर टू में आपको काफ़ी बार जो है यही देखने के लिए मिलेगा कि कोलसाई लेक एंड कैंडी लेक को एक दिन में घुमाएंगे और दूसरे दिन आपको घुमाएंगे शेरन कैनियन, ठीक बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कोलसाई और कैंडी लेक देखकर घर वापस आ जाएंगे और अगले दिन हम शेरन कैनियन जाएंगे। बस इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि अगर आप कम दिन के लिए जा रहे हो तब तो एक दिन का पैकेज अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो शेरन कैनियन भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप बढ़िया स्पेंड करो यार 4-5 घंटे। तो हम बात करते हैं हमारे फाइनल 3rd पैकेज की। ये पैकेज वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो सोलो ट्रैवलर्स ही शायद ये करने में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि इसमें आपको एक दिन
वहीं पर रोकना पड़ेगा। अब आप कोलसाई लेक तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है, कोलसाई लेक टू जाना है, थोड़ा एडवेंचरस ये सब चीज़ों का मजा लेना है, तो आपको वहां पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेज अवेलेबल हैं जो बहुत ही चीप रेट्स में आपको मिल जाएंगे। टेंट हाउसेज अवेलेबल हैं कि आप वहीं पर रुक जाओ। तो आप पहले दिन कोलसाई लेक वन और टू का बढ़िया मज़ा लीजिए, बढ़िया आराम से रात में वहाँ पे रुक जाइए। उसके बाद सेकेंड डे आप कैंडी लेक चले जाइए। सेकेंड डे आप कैंडी लेक जाइए, घूम कर आइए और वहीं से शेरन कैनियन होते हुए घर वापस आ जाइए। लेकिन इसमें एक दिन आपको नाइट स्टे वहाँ पर करना पड़ेगा। ये मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी दोस्तों कि बिकॉज हम लोग कैब से गए थे, तो इसलिए बसेस से अगर आप जाते हो या रुकते हो तो उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। इतनी ईजिली कोई बसेस वगैरह वहाँ पे दिख भी नहीं रही थी। कुछ टाइम होगा जो आपको पता करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें भाई आपको समझनी पड़ेंगी कि आप कैसे मैनेज करोगे। धीरे सब लोग बोल रहे हैं बिकॉज ये विला में फियोंसे बैठी हुई है इसकी, और इसके जस्ट बगल में हमने एक और विला कराया जो किसकी और फियोंसे को नहीं पता है, उसमें चल रहा है डेकोरेशन। और यहाँ पे ये भाई साहब प्रपोज करने वाले हैं। आर यू नर्वस बेबी? थोड़ा सा। हम लोग जा रहे हैं जल्दी से श्रुति को बुलाने के लिए। तू फोन क्यों उठा रही है? जल्दी जा, वहाँ लोग खड़े हुए हैं यार। उसको कॉल करने दो ना, सुमो को कॉल करेगा भाई वो। बट इट्स नॉट फन देन। यहाँ तक का आवाज है पहले। हंस रही है। और करें कैसा लगा आपको सरप्राइज मैम? ज्यादा सरप्राइज हो गई है।